भाई साहब जिस गलियों में मैं घूम रहा हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ। तो भाई दुर्गाना मंदिर का जो इतिहास है कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। रामायण के टाइम से ही ये मंदिर का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी को लव और कुश जी ने बांध दिया था। मैं आपको वो भी पेड़ दिखाऊंगा। ये शंख देखिए कितना बड़ा शंख है यार। चलते हैं प्राचीन श्री बाड़ा मंदिर में। सो भाई मेन एंट्री तो यही है दुर्गा तीर्थ की। चलते हैं यार, अब चलते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये तो यार दुबई वाला ही सीन बना दिया इन्होंने यहाँ पे। बाकी ना इधर परशुराम जी का मंदिर भी, उधर भी जाना है मैंने मेन, तो सही बना बढ़िया। परशुराम जी का मंदिर था आई थिंक उधर सामने, परशुराम जी का मंदिर है, देखता हूँ उधर भी चल के। बाकी सामने देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंट्री गेट बहुत ही खूबसूरत है। पूरी ही डिटेल वाला लिख दिया भाई कहाँ कौन सा रास्ता जाता है। कबूतर देखो कितने सारे हैं। चलते हैं लंगर भवन इस साइड में। कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ मैं, जाना तो है परशुराम जी के मंदिर में। चलते हैं। ओ भाई पैर जल गए, बड़ी गर्मी है आज, काफ़ी सारे कबूतर हैं इधर। चलते हैं परशुराम जी के मंदिर में। जय हो परशुराम जी। परशुराम मंदिर से मत्था टेक आया, अब चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। वरुण द्वार, कुबेर द्वार, सारे देवताओं के नाम लिख दिए मुझे लग रहा है यहाँ पे। सुदर्शन द्वार, लक्ष्मी द्वार, सही है बढ़िया। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई इधर तो, शुरुआती दौर की लग रही हैं। बाकी ये काफ़ी बड़ा एंट्री गेट है यार, अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं अंदर। गेट जो गेट है ना ये, दोनों गेट चांदी के हैं। ये पता नहीं कौन से संत महात्मा की है मूर्ति लगी हुई। ओम नमः शिवाय, जय हो। इधर भी किसी हनुमान जी की है, इधर माता जी की मूर्ति लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हो पूरा का पूरा गोल्डन टेंपल की तरह कॉन्सेप्ट है। उधर शायद शिव जी की मूर्ति लगी हुई है बीच में। ठीक है यार बढ़िया। काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं अब तो, बट उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से मेरे हिसाब से आना चाहिए। बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो क्या लोगों ना ज़्यादा पता ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता था। मुझे अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं अमृतसर आते हुए, बट भाई मुझे पता ही नहीं था कि दुर्गाना मंदिर का नाम का भी कोई मंदिर है यहाँ पे अमृतसर के अंदर। तो भाई इसके जितने भी गेट हैं ना सारे चांदी के हैं, ऊपर सोना लगा हुआ है। जय हो शिव शंकर जी। शिव जी की मूर्ति है, बाकी इधर मंदिर श्री राम केवट जी। केवट जी बैठे हुए हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता माता जी हैं। मंदिर श्री कृष्ण सुदामा जी, सुदामा जी के पैर धोते हुए कृष्ण जी, साथ में कृष्ण जी की वाइफ। ये शंख देखिए कितना बड़ा शंख है यार, सही है बढ़िया। उधर से भी आए हैं, चलते हैं बाहर को। काफ़ी बढ़िया मंदिर बना है यार, वैसे धूप भी काफ़ी है आज। सामने है वेद भवन, आई थिंक इसमें वेद या पुराण वगैरह जो हमारे भी धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ हैं वही होंगे। वास्तुकला देखो कितनी बारीकी से काम है। इधर विष्णु जी हैं, जितने भी अवतार हैं सारे अवतारों की फ़ोटो बनाई हुई हैं। अंदर से ऐसा व्यू है, एक साइड से दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ। बाकी यार ये चांदी की गेट है, डिजाइन देखो कितने प्यारे डिजाइन है यार। जय हो श्री राधे कृष्ण, जय हो जय हो। ये देखो पत्थर कितना बारीकी से बनाया गया डिजाइन। अमृतसर का दूसरा गोल्डन टेम्पल, इसको कहते हैं दुर्गाना टेम्पल। जय हो भगवत वच। सुबह गोल्डन टेम्पल के बाद दुर्गाना टेम्पल की भी वीडियो हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो देखो कहाँ की आए, जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो भी, जहाँ की भी आनी होगी आई जाएगी। अपनों ने गेट घंटा नहीं बजाया था, अब बजाते हैं। बज जा, बज गया। देखो विष्णु जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी माता जी उनके पैर दबा रही हैं, उधर नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हो रही है, इधर शेषनाग जी हैं, सही है। बाकी इधर शिव परिवार हैं, शिव जी हैं और पार्वती माता जी हैं। ध्रुव तपस्या, ध्रुव जी बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं विष्णु जी की। भगवान नरसिंह जी अवतार में, उधर प्रहलाद जी हैं। तो भाई ये शनिदेव जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना,
सारे देवता हैं, नवग्रह मंडल है, सूर्य देव जी हैं, चंद्र देव जी हैं, मंगल देव जी हैं, बुध देव जी हैं, बृहस्पति देव जी हैं, शुक्र देव जी हैं, शनि देव जी हैं, राहु जी हैं और केतु जी हैं। बाकी सामने वाले में चलते हैं। शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज जय। इधर से चलते हैं बाहर के साइड में, इधर को जहाँ पे वाल्मीकि जी महाराज हैं और लवकुश जी को कुछ रामायण पता नहीं पढ़ा रहे हैं कोई चीज़। बाकी पीछे आपको टेंपल दिख ही रहा है। सबसे बड़ा तप है मौन, शांत रहो भाई, सबसे बड़ा तप है। चलते हैं अब जरा। इसके अंदर 60 करोड़ हस्तलिखित श्री राम नाम स्थापित है। ये अभी अंदर गए थे, तुलसीदास जी का मंदिर था भाई, सेवा कर रहे हैं, करो करो। साईं मल कपूर जी के द्वारा गोल्डन टेंपल की तर्ज के ऊपर ही, दरबार साहब की तर्ज के ऊपर ही इसको बनवाया गया था। उसी की तरह सेम टू सेम आप देख सकते हैं डिजाइन स्ट्रक्चर उसी की तरह है। बाकी इसकी जो गेट है ना वो चांदी के हैं और इसको जो कहते हैं ना इसको सिल्वर टेंपल भी कहते हैं। इसकी नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी वो देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक व पॉलिटिशियन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी 1925 में आई थिंक। भाई अभी ना यहाँ पे लिखा था जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है वे सर्वोच्च धर्म है। कितनी बढ़िया बात लिखी है यार। उस दीवार पे एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, लिखा है भाई हमें गिरे हुए को उठाना है, क्यों गिर गया यह नहीं पूछना है। भाई कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है जगह जगह मंदिर में, बहुत अच्छी। तो भाई दुर्गाना मंदिर का जो इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है, रामायण के टाइम से ही ये मंदिर का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी को लव और कुश जी ने बांध दिया था, मैं आपको वो भी पेड़ दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पे सीता माता जी का मंदिर भी है, विष्णु जी का भी है। इसको तो वैसे दुर्गाना मंदिर भी कहते हैं, शीतला देवी मंदिर भी कहते हैं, और भी एक दो नाम है जो अभी चलते चलते मैं आपको बताऊँगा रास्ते में और क्या क्या चीज़ इसको कहते हैं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम गोल्डन की टेंपल की तरह है। भाई पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि इस जो सरोवर है ना, इस सरोवर का इतिहास यह है कि एक बार ना सीता माता जी कहीं गई थी तो उनका पुत्र का नाम था लव, तो वो लव को ना वाल्मीकि जी महाराज को दे गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका लव का ना ध्यान रखना, मैं अभी कहीं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तो लव जी जो थे वो खेलते कूदते कहीं जंगल के साइड में चले गए, वाल्मीकि जी महाराज जी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें पता नहीं लगा। उसके बाद जब सीता माता जी शाम को आईं तो सीता माता जी ने पूछा वाल्मीकि जी महाराज से कि भाई लव कहाँ है। तो भाई वाल्मीकि जी महाराज भी एकदम अचंभा में पड़ गए कि भाई लव तो यहीं पर खेल रहा था, लव कहाँ चला गया। तो सीता माता बहुत व्याकुल हो गई। उसके बाद वाल्मीकि जी महाराज ने पता क्या करा, उन्होंने एक कलश लिया, उनके हाथ में जो कलश होता है उसमें ना उन्होंने थोड़ी सी घास डाली थी ऐसा लोग कहते हैं, उसमें थोड़ा जल डाला अपने दूसरे कलश से, थोड़े मंत्र उंत्र पढ़े और कहते हैं इसी जगह पे आके गड्ढा खोदा और उसमें दाब दिया, वहीं से एक मतलब बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कुश, जो कि बिल्कुल ही सीता माता और राम जी के पुत्र लव की तरह दिखता था। आप उसको देख के कह नहीं सकते थे कि भाई ये लव है या कुश है। तो उन्होंने वाल्मीकि जी महाराज जी ने लाके उनको कुश जी को सीता माता को सौंप दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा गया कि भाई लव जी तो खेलते कूदते जंगल में से आ रहे हैं, तो सीता माता जी बड़ी अचंभा में पड़ गईं कि ये दो दो लव की तरह, ये कौन लड़का है, अगर वो लव है तो ये कौन है। तो फिर वाल्मीकि जी महाराज ने बताया कि भाई आप व्याकुल थी तो इसलिए मैंने आपके पुत्र की तरह ही एक दूसरा पुत्र का निर्माण कर दिया था। तो उसके बाद फिर सीता माता जी ने उनको भी अपने साथ रखा। तो भाई एक कहानी हो रही है यहाँ पे। एक बार ना राम जी ने एक अपना घोड़ा छोड़ा था जिसके ऊपर एक मतलब वार्निंग लिख के छोड़ी थी कि भाई जो भी मेरे घोड़े को पकड़ेगा उसे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो पता क्या हुआ, लव जी ने और कुशनी जी ने उस घोड़े को देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ, तो लव कुशनी जी ने क्या करा भाई, उसको पकड़ लिया और मतलब बांध के ना पकड़ के उसको बांध के अपने साथ ले आए। तो भाई जब उन्हें राम जी को पता लगा कि भाई घोड़ा अभी तक मिला नहीं है, तो उन्हें पता लगा कि भाई दो बालकों ने पकड़ा है, तो उन्होंने क्या करा, राम जी ने ना अपने भाइयों को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को और शत्रुघ्न ऐसे कुछ नाम था एक भाई का, मुझे नाम कन्फर्म नहीं है अभी, बाद में लिख के मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो इन तीनों को भेजा युद्ध करने के लिए कि भाई पता करो किसने हमारा
घोड़ा पकड़ा है। तो भाई जब पहले तो शायद भरत जी आए थे, भरत जी आए तो भरत जी के साथ लव और कुश का युद्ध हुआ, तो भाई लव और कुश ने भरत जी को भी हरा दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी शायद आए थे, उनको भी हरा दिया। उसके बाद फिर राम जी भी बड़े अचंभा में, फिर उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को भेजा कि भाई जाओ हनुमान देख के आओ कौन है जो हमारे इतने इतने बड़े वीर सिपाहियों को हरा रहा है। तो हनुमान जी जब आए उन्होंने देखा कि भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने ना अंतर ध्यान करा तो उन्हें पता लगा कि भाई ये तो मेरे प्रभु के ही पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या करा कि हनुमान जी ना बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। उसके बाद लवकुश जी ने ना हनुमान जी को पकड़ के ना यहाँ पे एक वृक्ष के साथ बांध दिया। वो वृक्ष मैं अभी आपको दिखाऊंगा चलते हुए। तो भाई वो भी एक जगह है। उसके बाद सीता माता जी आई, सीता माता जी को जब पता लगा कि भाई लवकुश जी ने किसी वानर को पकड़ लिया है, तो वो भी अचंभा में बढ़ गई कि भाई किसको पकड़ लिया। जब उन्हें पता लगा कि भाई हनुमान जी हैं, तो भी वो भी दौड़ी दौड़ी आई, बड़ा समझाया कि पुत्रों इन्हें छोड़ दो, ये मेरे प्रभु के परम भक्त हैं। बाकी आपको बताते हैं, चलते हैं प्राचीन श्री बाड़ा मंदिर में। किधर से है? इधर से है। इधर ही हनुमान जी को बांधा था लवकुश जी ने। देखो ये 700 वर्ष प्राचीन माँ दुर्गा जी का मंदिर, श्री प्राचीन शीतला माता मंदिर। इधर चलते आगे भाई, इधर भी माता जी हैं, इधर सामने जय हो माता रानी। काफ़ी प्राचीन पेड़ है ये भी, काफ़ी प्राचीन है। मत्था टेक लिया है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर है। ये वाले शेर देखो कितना कूल है, घंटा। घंटा हो जाके लेकिन जाते हैं। अच्छी खासी मार्केट बनी है यहाँ पे, सही है, बढ़िया। चलो भैया आ ही गए उस जगह पे जहाँ पर आना चाह रहा था मैं। यहीं पे वो जगह जहाँ पे हनुमान जी को बांधा गया था, हाँ इधर ही कहीं है। घंटा बजाया जाएगा, काफ़ी अच्छी जगह बनी है बैठने के लिए, आराम आराम करने के लिए। आओ तो आराम करने की टेंशन नहीं है। आ गई आ गई, जय हो जय हो जय हो। यही है भाई वो, देखो हनुमान जी को बांध दिया लवकुश जी ने। यही है भाई वो। तो भाई वो जगह ढूंढ ली मैंने जहाँ पे हनुमान जी को बांधा गया था लवकुश जी के द्वारा। परिक्रमा करके आते हैं पैलेस की। उधर लोग बैठे हैं, इधर भी मंदिर है, पैलेस की परिक्रमा कर लें इस पेड़ की जरा। भाई यही वो पेड़ है जिसके साथ हनुमान जी को बांध दिया था लवकुश जी ने, हनुमान जी की जय श्री राम। यही है भाई वो पेड़, आखिर मिल गया। अखंड रामायण कक्ष अंदर से मथा टेक आया हूँ मैं भी, देख सकते हो अब अंदर दिख रहा है। चलो भाई मुख्य मंदिर श्री बाड़ा हनुमान जी, बड़ा हनुमान जी के मुख्य मंदिर में चलते हैं भैया। परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे काफ़ी पुस्तकें रखी हुई हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आप। प्रसाद मिला है मुझे भी, पता नहीं क्या चीज़ें खा के देखते हैं। वो इधर तो मत्था टेक लिया, अब चलने की है तैयारी वापस, चलें मार्केट में, कुछ खरीदना तो है नहीं मैंने। आम के वक्त लिफाफे मत मांगे, काफ़ी अच्छी मार्केट बनी है वैसे यार यहाँ पे। चलो भाई इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये बड़ी कूल है यार, जगह जगह बनी हुई है ऐसे, बड़ी छोटी सी जगह से निकलो भाई। चलो भाई गो के अंदर चलते हैं अब। ओके गाय के अंदर आ गई जी। वाली गुफाएं यार पंजाब में ना आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी, अंत में किसी देवी देवता का है। चलो भाई पीछे से निकलते हैं फिर से दोबारा। इधर था मंदिर, ऐसे गलियों से निकलोगे ना तो ऐसे पुराने घर आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जरूर क्या मैं क्या बहुत ही जरूर मिलेंगे भाई, मेन मार्केट से नहीं ऑफ मार्केट से। जब से मैंने पंजाब में ट्रैवलिंग स्टार्ट किया ना,
मुझे खुद को नहीं पता कौन कौन सी अनजान गलियों में घुस जाता हूँ, बाद में पता लगता है मैं गलत में घुसा हूँ या सही में घुसा हूँ। दुर्गाना मंदिर तो होया या अब मैं सोच रहा हूँ यार दरबार साहब भी चलते हैं। भाई साहब जिस गलियों में मैं घूम रहा हूँ ना मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ। चक्कर ये मेरा एंड्रॉयड वाला मोबाइल हो गया डाउन और मेरे इस वाले मोबाइल में है नेट ख़त्म, जिस वजह से मैप तो चल नहीं पा रहा। बट फिर भी थोड़ा ऐसे ही चलते जा रहा हूँ देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। डॉगी होगी तो काफ़ी बैठे हैं, देखता हूँ। पता नहीं यार कौन सी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घुस गया मैं, कहाँ शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गया। इधर भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। इस गली में पता नहीं कौन सी गली में घुस गया हूँ यार, पतली सी गली है बिल्कुल ही। मैं इस समय जिन गलियों में घूम रहा हूँ ना यहाँ पे ब्याह शादी वाली दुकानें बहुत हैं, लग रहा है इधर ही कलीरे वलीरे लहंगे होंगे बिकते हैं ज़्यादातर। इतनी तगड़ी दुकान है यार जी, इधर भी लहंगे कुर्ते पजामे, इधर भी सामने भी।